नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच लालू परिवार से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को समन भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव सहित अन्य लोगों को 9 फरवरी को हर हाल में कोर्ट ने पेश होने को कहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। ऐसे में आज बिहार से लेकर दिल्ली तक सबकी नज़र कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा था। वहीं अपनी जांच के बाद ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव सहित अन्य लोगों के नाम को अपने चार्जशीट में शामिल किया था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।